Coming to question number 5, explain why a rectangle is a convex quadrilateral. Question number 5 में हमें explain करना है जो convex quadrilateral है वो rectangle क्यों है. So convex quadrilateral की properties क्या होती हैं? उसके चारों interior angle 180 degree से कम होते हैं, दो diagonals होते हैं और जो diagonals होते हैं वो figure के अंदर ही होते हैं. सो हमें बताना है कि जो रेक्टेंगल है वो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल क्यों है. सो सबसे पहले हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं. दैट इज ए बी सी एंड डी और इसके दो डायगोनल्स हैं, दैट इज डी बी एंड ए सी. हेयर इज ओ पॉइंट. आपको पता है रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं. सो दिस साइड इक्वल्स टू दिस साइड एंड दिस साइड इक्वल्स टू दिस साइड और जो ये एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं. इन कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में हमने देखा कि जो डायगोनल्स होते हैं वो फिगर के इनसाइड ही लाए करते हैं. सो डायगोनल्स इन द इंटीरियर और जो हमारा रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल ए बी सी डी हैज फोर साइड्स. डायगोनल्स कौन कौन से होंगे? ए सी एंड बी डी. सो डायगोनल्स ए सी एंड बी डी लाए इनसाइड द रेक्टेंगल. देयरफोर ए बी सी डी इज अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल. कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के जो डायगोनल्स होते हैं वो अंदर ही लाए करते हैं और ए बी सी डी हमारा एक रेक्टेंगल है जिसकी फोर साइड्स हैं और ए सी और बी डी क्या हैं? डायगोनल्स हैं जो रेक्टेंगल के इनसाइड ही लाए कर रहे हैं. दैट्स वाई जो हमारा ए बी सी डी है वो एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है.